आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैं रास्ते में एक ढाबे पर कुछ देर के लिए रुका तो मेरा ध्यान वहीं बगल में बैठे कुछ लोगों पर गया जो भूतों की बात कर रहे थे। वैसे तो मैं इन सभी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, मगर वो लोग अपनी बातों में जिस रास्ते का जिक्र कर रहे थे, मुझे अभी ही वहां से जाना था। कुछ और देर तक उनकी बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी, जिस वजह से मैं वहां से अपना ट्रक लेकर निकल गया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था, साला खामखा उनकी बात सुनी, बेमतलब का डर मोल ले लिया। खैर मैं ड्राइव करता ही रहा और जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां से वो रास्ता शुरू होने वाला था जिसका जिक्र वो लोग कर रहे थे, मेरी धड़कनें अपने आप ही तेज हो चुकी थी और मेरी आंखें सड़क पर ही गड़ी हुई थीं। मेरे पर उस वक्त इतना डर हावी हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब गाड़ी की ब्रेक लगा दी। गाड़ी के रुकते ही मानो मेरे पसीने छूटने लगे, जबकि अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था। मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था, सामने एक आदमी नजर आया जिसके हाथों में एक लाठी थी और वो मुझसे इशारों में कुछ मांग रहा था। मैं तो पहले से ही काफी डरा हुआ था और अब सामने उस आदमी को देखकर तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल्ली हो चुकी थी। डर के मारे मैंने गाड़ी के अंदर से बोला, अरे भाई सामने से हट जाओ। मगर वो आदमी मेरी बातों को अनसुना करके अभी भी इशारों में कुछ मांगे जा रहा था। मैंने इस बार थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, अब चलो हटो रास्ते से। मगर वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने गुस्से में ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और ट्रक का हॉर्न बजाते ही वो आदमी पता नहीं एकदम से कहीं गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी जबकि गाड़ी का इंजन ऑन ही था। इससे पहले मैं अभी कुछ समझ पाता कि मेरा ध्यान सड़क पर पड़ी लाठी पर गया जो उस आदमी के हाथ में लगी थी, तभी गाड़ी भी बंद पड़ गई और अब मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। मैं पहले कुछ देर तो गाड़ी में ही चुपचाप यूं ही बैठा रहा क्योंकि गाड़ी से बाहर उतरने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर कुछ देर बाद मैं उतरा और उस सड़क पर पड़ी लाठी के पास गया। वो लाठी मुझे थोड़ी अनोखी सी लगी, जिस वजह से मैंने उस लाठी को सड़क पर से उठा लिया और लाठी हाथ में पकड़ते ही मेरी गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो गई, जिस वजह से मैंने डर के मारे तुरंत ही वो लाठी सड़क के दूसरी ओर फेंक दी। लाठी तो फेंक दी मगर मेरी गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया मगर कोई खराबी नजर ही नहीं आई। तभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस लाठी में कुछ तो बात जरूर है, लिहाजन मैंने फिर से वो लाठी उठा ली और लाठी उठाते ही गाड़ी भी अपने आप ही स्टार्ट हो गई। गाड़ी के यूं स्टार्ट हो जाने से ये तो साफ था कि लाठी को अपने साथ ही रखना होगा, नहीं तो मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकूंगा। फिर मैंने वो लाठी गाड़ी में रखी और वहां से आगे बढ़ गया। मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास तो था कि मैं किसी बड़े मुसीबत में पड़ चुका हूं और अब आगे कुछ भी हो सकता था। तभी अचानक से ट्रक में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वो आवाजें ऐसी थीं मानो कोई अपने नाखूनों से ट्रक को खरोंच रहा हो। तभी ट्रक की हेडलाइट के साथ साथ ट्रक के अंदर की लाइट भी एकदम से ऑफ हो गई, जिसके चलते अब मुझे ना तो ट्रक के बाहर कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही ट्रक के अंदर। मैंने ट्रक के ब्रेक भी लगाने चाहे मगर अब ट्रक के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। तभी ट्रक अपने आप ही रुक गई मगर ये पता नहीं चल पा रहा था कि ट्रक कहां पर रुकी है क्योंकि अंधेरे के चलते
बाहर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और साथ ही ट्रक के रुकते ही वो खुरचने की आवाजें भी अब बेहद तेज हो चली थी। तभी पता नहीं कहां से मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं तुरंत ही उस लाठी को ढूंढने लगा और जैसे ही वो लाठी फिर से मेरे हाथ में लगी कि ट्रक एक बार फिर से स्टार्ट हो गई, जिससे मैं ये समझ चुका था कि इस लाठी को अपने साथ ही रखना होगा। लिहाजन में वो लाठी लिए वहां से निकल गया। अभी मुझे 10 से 15 ही मिनट हुए थे वहां से चले हुए कि गाड़ी फिर से एकदम से रुक गई और गाड़ी की हेडलाइट से लेकर सारी लाइटें ऑफ हो गईं। अब मेरे चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और बेहद खामोशी, मगर अंधेरा होने के कारण मुझे सिर्फ उसकी कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। मैं अभी भी ट्रक रीस्टार्ट करने में लगा हुआ था ताकि मैं वहां से जल्दी से निकल सकूं, मगर मेरी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तभी खुरचने जैसी आवाजें फिर से आने लगी, मानो कोई ट्रक को अपने पैने नाखूनों से जोर से खुरच रहा हो। धीरे धीरे वो खुरचने की आवाजें अब तेज हो गईं और मैं पसीने में तरबतर की हालत में बस मन ही मन भगवान को याद किए जा रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट ऑन हुई। हेडलाइट ऑन होते ही जब मेरी नजर सामने सड़क पर गई तो मैंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हैं और उनकी डराने वाली बात तो ये थी कि उनमें से किसी का भी चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि ना तो उनके चेहरे में आंखें थीं और ना ही कान। उन सभी का चेहरा पूरा प्लेन था और वो सभी अपना हाथ बढ़ाकर मेरे से कुछ मांग रहे थे या फिर मुझे अपने पास बुला रहे थे। ये तो जाहिर था कि अब मेरे साथ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं अभी बेचैनी भरी निगाहों से उसी ओर देख रहा था कि उसी वक्त मेरे दूसरी तरफ से एक हाथ आया। उसे पकड़ते ही मेरा आधा चेहरा जलने लगा। दर्द इस कदर का था कि मैं अपनी सीट पर उछल उठा, मगर उसके हाथ का पंजा मेरे चेहरे से चिपक सा गया था। तभी छटपटाते वक्त मेरे हाथ में वो लाठी आ गई जो मैंने सड़क से उठाई थी। उस लाठी के आते ही वो पंजा एकदम से गायब हो गया और वो सारे बिना चेहरे वाले लोग भी। मैंने तुरंत ही ट्रक स्टार्ट की और वहां से जल्दी से निकल गया। जब मैं काफी दूर निकल आया तो मुझे एक बात खटकी। दरअसल अब मुझे सिर्फ एक तरफ यानी एक साइड का ही नजर आ रहा था। फिर जब मैंने अपने हाथ से अपने चेहरे को छुआ तो पता चला कि मेरी एक आंख गायब हो गई है। मैंने तुरंत ही मिरर में देखा तो सच में मेरी एक आंख तो गायब थी। साथ ही चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी एक आंख बचपन से ही ना हो। मैं अब कुछ कुछ उन लोगों की तरह दिखाई दे रहा था जिनके चेहरे नहीं थे। अब इस हादसे को काफी वक्त बीत चुका है, मगर उस हादसे ने जो मुझे जख्म दिए हैं वो हमेशा ही ताजा और दर्द भरे ही रहेंगे। पर वो कौन लोग थे उनका पता कभी नहीं चला और मैंने भी दोबारा कभी रूट नंबर 33 पर जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।